तेजस्वी यादव जी सड़कों पर उतरेंगे, पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल होगा इस सरकार के खिलाफ, निकम्मी नकारा सरकार के खिलाफ। सिंहासन को खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का बिहार में प्रतिरोध मार्च होना है आगामी 7 अगस्त को। इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय जी आपने मस्तक पर तिलक लगा रखा है, राज तिलक की तैयारी हो रही है क्या? राज तिलक की हो रही तैयारी, सब्र करें हमारे बिहारी भाई, थोड़ा और सब्र करें। बिहारी भाइयों ने, बिहार की जनता ने तो अपना आशीर्वाद समर्थन दे ही दिया था नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, अब सदन के नेता बनने का इंतजार जनता को है, वो दिन भी आएगा। सपना ये सच होने वाला है? देखिए, सपना वही देखता है जिसे ये के पास ये ताकत होता है कि हम सपने को सच कर सकते हैं। तो सारा आंकड़ा, सारा गणित आप जो भी देख लीजिए, सब किसके पक्ष में है, सत्ता में बैठे दल किस तरह लड़ रहे हैं। चार चक्के पर बनी थी सरकार, एक चक्का खुल गया बीजेपी के साथ, तीन चक्के पर आई, अब तीन चक्के वाली तो गाड़ी चलनी न है, तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। लेकिन 7 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा पूरा बिहार, और सिंहासन को खाली करो कि जनता आती है का नारा बुलंद करेगा। बड़े प्रदर्शन की तैयारी है खूब, पूरे विपक्षी, बिहार के सभी विपक्षी पार्टियां, सभी जनता जो त्राहिमाम कर रही है, जनता जिस तरह से बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, अग्निपथ योजना के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, और आप बाढ़ सुखाड़, किसान परेशान हैं, ये सारे चीज़ों को लेकर के जनता, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सड़कों पर उतरेंगे, पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल होगा इस सरकार के खिलाफ, निकम्मी नकारा सरकार के खिलाफ। तमाम मुद्दे जो है क्या जेडीयू को दिखाई नहीं दे रहे हैं या उस दिन से दिखाई? देखिए, जेडीयू को सब चीज़ दिखाई दे रही है, जेडीयू का आंख समय पर खुलता, खुलेगा उम्मीद है। देखिए, जेडीयू का आंख खुले न खुले, जनता का तो आंख 7 अगस्त को खुलेगा। 7 अगस्त को क्या होने वाला है बिहार में? 7 अगस्त को बिहार की सड़कों पर जनता के गुस्से का प्रकटीकरण होगा। जनता जो परेशान है इस डबल इंजन सरकार से, उसके खिलाफ जो हल्ला बोल होगा, उस सरकार का सिंहासन डोलेगी। लगता है कि अब सावन महीना बीत रहा है, अब तो देखिए सावन महीना, सावन भादो तो वैसे बाढ़ का महीना रहता है, बरसात का। इस बरसात में ये जो डगमगाती नाव है सरकार की, एनडीए की, इस पर तो खतरा मंडरा ही रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के खिलाफ जो आईना दिखाना है सरकार को, सरकार की इस निकम्मी सरकार, नकारे सरकार के खिलाफ जो जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की, सभी विपक्षी पार्टियों की है, वो अपना जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। और 7 अगस्त को होगा, हुंकार भरेंगे तेजस्वी यादव जी, और ये जो सत्ता में बैठे हैं इनका अहंकार चकनाचूर होगा। देखिए, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार चकनाचूर करने के लिए तेजस्वी यादव भी उतरेंगे सड़कों पर। प्रतिरोध मार्च की तैयारी शुरू हो चुकी है, विपक्षी पार्टियां इसमें जुटेंगी, तमाम लोग जुटेंगे सड़कों पर, लोग उतरेंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब जन आंदोलन होगा तो क्या दृश्य होगा, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने बताया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।